नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सी इज एज शोन इन फिगर अ मंकी ऑफ 20 kg मास इज होल्डिंग अ लाइट रोप दैट पासेज ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली. अ बंच ऑफ बनानास ऑफ द सेम मास 20 kg, दोनों का मास 20 kg है, इज टाइड टू द अदर एंड ऑफ द रोप. इन ऑर्डर टू गेट एक्सेस टू द बनाना मंकी स्टार्ट क्लाइंबिंग द रोप. सवाल है डिस्टेंस बिटवीन द मंकी एंड द बनानास. ऑप्शन है डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन अनचेंज या फिर नथिंग कैन बी सेड. नाउ इस केस में लेट अस से, इसका मैथमेटिकल प्रूफ मैं आपको बाद में दूंगा, बट लेट अस से कि ये जो रस्सी का एंड है ये वाला, और ये जो रस्सी का एंड है, मान लो मंकी आपका ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, और ये रस्सी का एंड इन दैट केस आपका ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, ये वाला ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, और बंदर क्योंकि ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो बंदर भी आपका ऊपर मूव करेगा, ये भी आपका ऊपर मूव करेगा, लेकिन इन दोनों का जो रिलेटिव डिस्टेंस है, ये अगर मान लो 1 सेकंड में 5 मीटर ऊपर गया, ये बनाना भी 5 मीटर ऊपर चले जाएंगे, इन दोनों का जो रिलेटिव डिस्टेंस है दैट विल रिमेन अनचेंज, वो आपका चेंज नहीं होएगा. तो बंदर रस्सी पे चढ़ के तो बनाना नहीं खा पाएगा. ऑलराइट, अभी इसी का मैथमेटिकल एक बार प्रूफ देख लेते हैं. सो लेट अस से यहाँ पे फिर लेट्स टेक सम अजम्पशंस और उसको फिर बिल्कुल ही अच्छे उस पर सॉल्व करते हैं. सो लेट अस से बंदर का एक्सेलरेशन A1 है और बनानास का एक्सेलरेशन A2 है. लेट्स से ये बंदर आपका ए एक्सेलरेशन से जा रहा है और ये आपका एक्सेलरेशन A2 है. बाद में हम देखेंगे A1 A2 की वैल्यू बराबर आ जाएगी. और लेट अस से दोनों ही आपका जो बंदर है वो A1 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, A2 है आपका वो एक्सेलरेशन A2 से आपका ऊपर जा रहा है, और रस्सी में आपकी टेंशन T है. दोनों में टेंशन T है. इसका भी मास आप M मान लें, इसका भी मास M मान लें, हालांकि अपने को 20 kg दिया हुआ, बट जेनेरिक फॉर्म में सॉल्व करते हैं. सो उस केस में जब हम देखेंगे, अगर आप इस बंदर का FBD बनाएंगे, सो उसका FBD बनेगा, ऊपर तो आपकी लगी टेंशन T और नीचे आपका इसका मास लगा MG, और ये आपका A एक्सेलरेशन से A1 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है. तो आपकी इक्वेशन लिखी जा सकती है T माइनस MG इज इक्वल टू MA1. ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई. सिमिलरली जब आप इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, तो इसके लिए नीचे फोर्स आपका MG है, ऊपर आपकी टेंशन T है, तो एक काम करते हैं इसको भी लिख लेते हैं T माइनस MG इज इक्वल टू MA2. ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई. दोनों का मास MM सेम है, इसलिए हमने दोनों को M लिखा है. नाउ इस केस में अगर मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर दूं, और देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी T माइनस MG, दोनों को इक्वेट करके हम लिख सकते हैं MA1 इज इक्वल टू MA2, विच एम्प्लाइज आपका A1 विल बी इक्वल टू A2, यानी कि दोनों सेम एक्सेलरेशन से ऊपर जाएंगे. तो अगर आपका मंकी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो रिलेटिव उनका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ बनाना विद रेस्पेक्ट टू मंकी विल बी इक्वल टू A माइनस A, दैट विल बी इक्वल टू 0. तो अगर दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, तो दोनों का इनिशियल जो डिस्टेंस है दैट विल रिमेन अनचेंज. सो दिस विल बी आर फाइनल आंसर.